1985 के बाद अब तक नहीं बना कोई पुल। नीतीश कुमार के घोषणा के 3 साल बीत जाने पर भी बांस बल्ले पर होता है आवागमन। 2000 की आबादी वाला घोघरडीहा प्रखंड के कालीपुर गांव 1985 की बाढ़ की मार अब तक झेल रहा है। यहां के ग्रामीण कैसे जीते हैं वो आप इस बांस बल्ले के पुल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्य सड़क से जोड़ने वाला ये पुल हर साल ग्रामीणों के सहयोग से बांस बल्ले से बनाया जाता है। दरअसल 1985 में आई बाढ़ से यहां बने पुल को अपने साथ बहा ले गया था। 1985 से लेकर अब तक इस पुल पर कभी निर्माण कार्य कराया ही नहीं गया। ग्रामीण अपनी सहयोग से इस पुल को बनाकर आवागमन करते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद 3 साल पहले इस पुल को लेकर घोषणा किए, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद जमीनी हकीकत ज्यों की त्यों है। जरा आप सोचिए, इस गाँव में न तो कभी एम्बुलेंस गया, न ही कोई चार पहिया वाहन। यहाँ के ग्रामीण कैसे जीते हैं? आखिर इस पुल से अंदाजा लगाया जा सकता है, जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बाढ़ का कहर चल रहा है, ऐसे में ये पुल कब है कब नहीं कोई नहीं जानता। जिंदगी को हाथ में रखकर ग्रामीण इस पुल पर चलने को बेवश हैं। आखिर अब ग्रामीण किसके पास अपनी शिकायत को लेकर जाए, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री ने खुद के घोषणा के 3 साल बीत जाने के बाद भी अब तक उन्हें उनकी घोषणा याद नहीं है। हम कुछ बता देना चाहते ताकि उनके प्रति सही ढंग से श्रद्धांजलि हो। इस्लामपुर से कालीपुर एवं खतवे टोल तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में चयन कर प्राकलन तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। जो ग्राम संपर्क योजना हम लोगों की है, राज्य सरकार की अपनी, उस योजना के माध्यम से इस टोले खतवे टोल तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। फिर धनखोर बसावट को परसा गुरगावा पथ में संपर्कता प्रदान की जाएगी, उसको भी जोड़ दिया जाएगा। इस पथ के निर्माण हेतु प्राकलन तैयार किया गया है, एस्टीमेट तैयार कर लिया गया, यह भी काम करा दिया जाएगा। और घोघरडीहा महादेवा गढ़वा पथ का शीघ्र ही इसका फिर से निर्माण कराया जाएगा। और यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग का है। और आप जान लीजिए कि अब गांव की भी सड़कों का जो हम लोग निर्माण करवा रहे हैं और करवाएंगे, तो उसका हमेशा अनुरक्षण। देखिए 1987 में आई बाढ़ के बाद जब ये पुल टूट गई यहाँ पर बनी हुई, उसके बाद से लोग अपने चंदा चिट्ठा से चचरी बना करके आवागमन करते हैं। कालीपुर गांव है, 2000 की आबादी है। और 19 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री स्वयं प्रखंड के गरवा गांव में घोषणा किए थे कि कालीपुर में हम लोगों की मांग पर यहाँ पर पुल निर्माण कराएंगे और सड़क बनाएंगे, लेकिन 3 साल बीत गया, अभी तक जो है न तो पुल बनने की कोई उम्मीद है, हम लोग तो उम्मीद छोड़ ही चुके हैं। कितना ग्रामीण जो इस चचरी पे जो चलते हैं, ये कितने ग्रामीण इस पे डेली आवागमन करते हैं? डेली 2000 की आबादी है गांव के ऊपर। ब्रह्मपुरा है, ब्रह्मपुरा के लोग भी खेती बाड़ी के लिए इसी तरफ जाते हैं। लगभग 5000 की आबादी जो है सो डेली आवागमन। और बाकी इस पे बाइक वगैरह से जाना सब इसी से होता है? सब इसी से होता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शहर से मुख्य रास्ता यही है, जुड़ना यही एक मुख्य रास्ता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और अगर बाढ़ में ये धस बह जाए तो फिर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है रास्ता। बच्चे के पढ़ाई लिखाई में बहुत बाधाएं उत्पन्न होती है। बच्चे चचरी के साथ जाते हैं, गार्जियन उसको दो हाथ जो है वो बच्चे को पकड़ कर करके टपाते हैं। इस फिर भी अगर जो है अगर चचरी डैमेज हो जाता है तो बच्चे जो है पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं। जो है सबसे ज़्यादा शिक्षा जो है यहाँ पर चौपट हो चुकी है, इसलिए कि जब हम प्रभारी प्रधानाध्यापक कालीपुर के बोल रहे हैं, स्कूल की स्थिति जो है वो तो है जर्जर है ही, लेकिन जो है बच्चे का आवागमन भी जो है बहुत दिक्कत हो रहा है। उसके बाद हम लोग बच्चे को यहाँ, बच्चे लगभग में जो है 100 बच्चे यहाँ नामांकित हैं। आप लोग मुख्य सड़क, आप लोगों का जो जुड़ने का है मुख्य बाजार से, वो कौन सा रोड के से लोग कैसे जाते होंगे? सब बस इसी चचरी का ही। और अगर कभी कभी मतलब बीमार होते होंगे लोग गांव में, अगर अक्सर बीमार होते जाते होंगे, तो फिर उसमें एम्बुलेंस जाने का रास्ता या कोई रास्ता नहीं है सर? सिंगल चचरी रास्ता है और चचरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कालीपुर ग्रामीणों को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। और हम लोग ग्रामीण है सर, हम लोग तो जानते ही है। यहाँ के ग्रामीण प्रशासन को सूचना नहीं दिया चल रहा है? प्रत्येक साल जो है ग्रामीण जो है सूचना देते हैं, प्रत्येक साल वीडियो साहब को कहते हैं, प्रत्येक साल सबको कहते हैं। जब मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं उसके बावजूद पूरा नहीं कर पाए तो सर ये ग्रामीण क्या कर पाए? आपका नाम? मेरा नाम शुभ मोहम्मद अनवर अली हुआ, प्रभारी प्रधानाध्यापक कालीपुर।